हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ठीक होंगे एंड फिट फाट होंगे। तो वेलकम बैक माय सोविया माय यूट्यूब चैनल सोविया की डिश में आपका स्वागत है। तो मैं फिर से आ गई एक मीठी डिश लेकर। तुर्री, बहुत से लोग इसे तुर्री भी कहते हैं, बहुत से लोग इसे लपसी भी कहते हैं। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग नाम से इसे जानते हैं। इसको मेवे से पीस कर बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, इसे जो जो नई नई माँ बनती हैं उनके लिए, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ताकतवर होता है। मेरे घर में वैसे भी कभी कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाया जाए, तो मैं यही बना लेती हूँ। मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। मेरे बच्चे इसको मीठी दाल कहते हैं। आप क्या नाम देंगे आप बताइएगा। तो चलिए फट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये मेवे लिए हैं। 2 बड़े चम्मच किशमिश लिए हैं, 20-25 काजू लिए हैं, 20-25 बादाम लिए हैं, थोड़ा सा पोस्ते का दाना लिया है, 1 कटोरी ये लिया है लावा, और ये लिए है मैंने थोड़ी सी गरी। गरी मेरी कम है तो मैं वो गरी पाउडर डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा। और लिए हैं 8-10 छुआरे, इनको मैंने भिगा दिया है। अब इन्हें मैं चाकू से काट के इनका बीज निकाल लूंगी। चलिए देखते हैं। ये देखिए, गरी को भी मैं छोटा छोटा काट लूंगी इस तरह से, ताकि ग्राइंडर में इसको चलने में परेशानी ना हो। ये देखिए, इस तरह से काट लेंगे। आप चाहें तो इन सबको रात भर भिगा दें, सुबह में ये आराम से पिस जाते हैं। या रात में अगर बनाना हो तो दिन में भिगा दें। ये देखिए, इस तरह से बीज निकाल के इसको छोटा छोटा काट लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही मैं सारे कर लेती हूँ। अब मेरा गरी कम है तो मेरे पास ये गरी का गरी पाउडर है, उसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और सब चीजों को मिक्सर ग्राइंडर में एकदम महीन पीस लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैंने इसको पीस लिया है मिक्सर में। अब ये तैयार हो गया है। आप अगर चाहें तो इसमें चिरौंजी डाल सकते हैं, गोंद डाल सकते हैं, पिस्ते डाल सकते हैं, अपने पसंद का कोई भी मेवा डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू पकाना शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कैसे बनाना है। चलिए चूल्हे की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए, चूल्हे पे हमने पैन रख दिया है, जिसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। ये मेरी देसी घी है, आप चाहें तो डालडा घी में भी बना सकते हैं, मक्खन में भी बना सकते हैं। तो देखिए, घी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम 2-3 लौंग डाल देंगे। आप चाहे तो 2-3 इलायची भी डाल दें। जैसे ये चटक जाएगी, पूरा मेवा इसमें डाल देंगे और खूब अच्छे से इसको भून लेंगे। ये देखिए, अब इसको पूरा डाल देंगे इसमें। अगर आप उन लेडीज के लिए बनाना चाहते हैं जिन्हें न्यू बेबी हुआ है, तो आप घी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। इसको धीरे धीरे आंच में धीमे धीमे लाल होने देते हैं। ये खूब अच्छे से लाल हो जाएगा, घी छोड़ देगा, तो समझ लीजिए ये तैयार हो गया। जब ये भुन जाएगा तो इसमें हम डालेंगे शक्कर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा थोड़ा थोड़ा भुन गया है, अभी इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। ये देखिए, इसको अच्छे से भून लेंगे। गाइस, अगर खाना जो है समझ में ना आता हो क्या बनाना है, रोटी है और जो है शाम की सब्जी नहीं समझ में आती या कुछ भी समझ में नहीं आता,
तो हम लोग यही बना लेते हैं। आप भी एक बार ट्राई जरूर करिएगा, टेस्टी और हेल्दी। ये देखिए थोड़ी देर और भूनते हैं इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेवा हमारा अच्छे से भुन गया है। ये देखिए अब इसमें डाल देंगे शक्कर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आपको मीठा पसंद है। ये डाल दिया, इसमें पानी डाल देंगे। जितना पतला या गाढ़ा आपको रखना हो उतना पानी आप अपने हिसाब से डाल लें। ये देखिए मैं पानी डाल लेती हूँ इसमें। इसको अच्छे से बॉयल आने तक पका लेंगे। चाहे तो इसको आप ऐसे ही पी लीजिए बगैर रोटी के, लेकिन थोड़ा पतला बना लें तो जो है रोटी से कभी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी होती है, हेल्दी होती है, बहुत फायदे की चीज है। आप गाइस एक बार ट्राई जरूर करिएगा। थोड़ा पानी और डाल देते हैं। ये देखिए अब इसमें चीनी भी अच्छी से मेल्ट हो जाएगी और ये पक भी जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पकने लगी है, बॉयल होने लगी है और जो है चीनी भी मेल्ट हो गई है अच्छे से। तो ये तैयार है, चलिए सर्व कर लेते। हेलो फ्रेंड, देखिए जो हमने सर्व कर लिया है इसे, बहुत ही टेस्टी हेल्दी हमारी मीठी दाल बनके तैयार हो गई है। एक बार ट्राई जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।